Assalamu alaikum. My name is Raza Ali and we are going to be learning about Computer Science 0478 past paper of chapter 1. हम 2015 के अक्टूबर नवंबर के सेशन के पेपर से शुरू करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 1 के रिलेटेड है. एन अलार्म क्लॉक इज कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर. इट यूजेस द 24 आवर क्लॉक. द आवर इज रिप्रेजेंटेड by an 8 bit register A and the number of minutes is represented by another 8 bit register B. हमने पहली चीज यहाँ पे क्या सॉल्व करनी है, identify what time is represented by the following two 8 bit registers. अब सवाल को देख के हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि एक अलार्म क्लॉक है जिसके अंदर आवर्स और मिनट का सिस्टम दिया हुआ है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि आवर्स और मिनट्स कैसे डिटरमाइन होंगे रजिस्टर्स के जरिए जो कि 8 bit है. पहला सवाल हमारे पास ये है कि हमने आवर्स और मिनट्स को निकालना है उन 8 बिट रजिस्टर्स को देखते हुए. अब ये वैल्यूज़ आपके पास फॉर एग्जांपल सवाल में सारी गिवन है और आपने इसका आंसर निकालना है. अब आपने देखा 16 वाली बिट ऑन है और 2 वाली बिट ऑन है, तो 16 प्लस 2 18, यहाँ पे 18 बेसिकली इसका आंसर हो गया. अब जैसे ही इसके आगे देखें हम मिनट्स पर आ जाते हैं तो हमारी कौन कौन सी बिट्स ऑन है, 32, 16, 4 और 1. 32, 16 को हमने ऐड करा तो क्या बन गया, 48, 48 और 4 हो गया 52 और 153. यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 53. ये हमारा इसका आंसर हो गया. आइए इसके आगे देखते हैं. अब इसका बी पार्ट देखते हैं. अब बी पार्ट बोल रहा है एन अलार्म हैज बीन सेट फॉर 0730 टू 8 बिट रजिस्टर्स सी एंड डी आर यूज टू रिप्रेजेंट द आवर्स एंड मिनट्स ऑफ द अलार्म टाइम. शो हाउ 0730 वुड बी रिप्रेजेंटेड बाई दीज टू रजिस्टर्स. अब हमारे पास एक सी रजिस्टर है और एक डी रजिस्टर है और हमने इसके बिट्स बनाने 8 बिट्स किसके हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से, ताकि हमें इसका आंसर मिल सके. अब हमने 07 कैसे लाएंगे, अब हमारी जाहिर सी बात है 128, 64, 32, 16 और 8 तो हो गई ऑफ. 421 को हम अगर ऐड करें तो हमारा बनता है 7. तो हमने आखिरी के तीन बिट्स को क्या बंद कर दिया, ऑन कर दिया. तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये हमारे आर्स बन गए यहाँ पे 7. और 30 कैसे लाएंगे, हमने 128 और 64 को अगेन ऑफ कर दिया, 32 को भी ऑफ कर दिया क्योंकि हमें 30 चाहिए. हमने क्या करा यहाँ पे, 16 को ऑन किया और 8 को ऑन किया. 16 और 8 को हमने ऑन किया तो 24 आ गया. अब हमें क्या चाहिए, 6 और 2. तो मैंने क्या किया, 4 और 2 को भी ऑन कर दिया. अब 1 हमें चाहिए नहीं तो हमने क्या करा, इसको ऑफ कर दिया. अब हम अगर इसको देखें तो क्या बना, 16, 8, 24, 24 एंड 4, 28 एंड 2, 30. अब ये कैसे बन रहा है, ये हम इसको और देख लेते हैं. 16, 8, 4 और 2, ये क्या बन गए हमारे मिनट्स, 30. ये हमारे सी और डी के रजिस्टर्स में हम बिट्स लिखेंगे 8 बिट्स, इसके हिसाब से हमारा ये क्या आ गया, आंसर. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अब हमने क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है और हमने आंसर्स को मैच करवाना है जो मेरे क्वेश्चन और आंसर्स को आपस में मिलाए कि सही आंसर कौन सा है. अब हम सबसे पहला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द डिनरी बेस 10 इक्विवेलेंट टू द हेक्साडेसिमल डिजिट ई. अब हमने हेक्साडेसिमल टेबल में हमने पढ़ा था कि डिनरी नंबर ई होता है हमेशा 14. तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है 14 के साथ. अब इसके आगे देखते हैं हम, If 1 GB 2 की पावर x, then what is the value of x? अब GB की जब भी हम बात करते हैं तो GB हमेशा 30 में कैलकुलेट होती है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 30. अब हम इसको लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इधर 30 के साथ. अब हम देखते हैं हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 byte. 1 byte में कितने बिट्स होते हैं हमेशा, 8. तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ 8 के पास. If the broadband data download rate is 40 megabits per second, how many seconds will it take to download a 60 MB file? अब megabits हमेशा, अगर 40 megabits की बात हो रही है तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा 5. ये 5 जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या होगा, 1 MB. 1 MB is equivalent to 5 megabits. तो क्या हुआ यहाँ पे, 60 की बात कर रहा है ये, सही है, 5 MB हुई, सही है, 5 MB हुई कितनी मेरी, 40 मेगाबिट्स. क्यों, क्योंकि मैंने इसको 8 से डिवाइड किया. 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मैं रफ वर्क कर देता हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू
फाइव, तो ये 8 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 40 मेगाबिट्स बन रही है मेरी, 5 MB, सही है। अब 5 MB जैसे ये बन गई तो मैंने देखना है कि 60 MB मेरी कैसे ट्रांसफर फाइल होगी। तो 60 MB क्या करेंगे हम, 5 × 12 इज इक्वल्स टू 60। अब 5 × 12 मैंने जैसे किया तो मुझे क्या मिल गया, 60। अब इसका आंसर होना चाहिए कितने सेकेंड्स लगेंगे, तो 12 सेकेंड्स लगेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 12 पे लाइन बना दी। अब आगे देखते हैं, वॉट इज द डिनरी बेस 10 वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 001 001 00। अब हम देखते हैं इसके बिट्स। अब ये 1 2 4, 4 वाली बिट ऑन है, 8 16 और उसके बाद 32। 32 और 4 इज इक्वल्स टू 36। अब जैसे ही मैं 36 की बात करूंगा यहाँ पे, तो ये 36 ही बिट कहाँ बन रहा है मेरा आंसर, ये वाला बन रहा है। अब आगे अगला सवाल देखते हैं, वॉट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू हेक्साडेसिमल डिजिट सी एंड डी आर एडेड। सी की अगर हम बात करें तो सी हमेशा होता है 12, और डी की अगर हम बात करें तो डी हमारा होता है 13। तो 12 + 13 इज इक्वल्स टू 25। अब 25 मेरा आंसर आ गया। अब 25 को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, 25 तो हेक्साडेसिमल में नहीं आ सकता क्योंकि इसकी बेस होती है हमेशा 16। तो मैं क्या करूँगा, 25 को 16 से डिवाइड करूँगा। 16 से जैसे डिवाइड किया तो 1, और मेरा रिमाइंडर बच रहा है 9। तो इसको हम यूँ लिखते हैं हमेशा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 19। तो मैंने क्या किया, इसका आंसर क्या मार्क कर दिया, 19। ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमने पास्ट पेपर के डिस्कस किए हैं। इसके आगे भी हम 2015 के जो बाकी सवाल हैं और 2016 के, और उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे 2015 के बाद और 16 के बाद 2020 के सवाल, तो बाकी हम चैप्टर 2 आगे लेक्चर्स में शुरू करेंगे। थैंक यू।